नहीं पैदा हुए थे। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ ही दिनों में देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में दस्तक देने वाली है, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के एक बयान की वजह से यूपी की सियासत गर्मा गई है और प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त संग्राम छिड़ गया है। और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जब 16 फरवरी को राहुल यूपी में एंट्री करेंगे तो ये संग्राम महासंग्राम में बदल जाएगा। जी हाँ, दरअसल ओडिशा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी की जाति को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता पूरे दलबल के साथ यूपी की सड़कों पर उतर गए हैं और राहुल गांधी का जमकर विरोध कर रहे हैं। चलिए पहले आपको राहुल का वो बयान सुनाते हैं जिसके कारण ये हंगामा खड़ा हुआ। नहीं पैदा हुए थे, नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे, उनको उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने पीएम मोदी को ओबीसी नहीं बल्कि जनरल कास्ट का बताया। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी लोगों को ये कहकर बेवकूफ बनाती है। इस बयान के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा है और वो यूपी के अलग अलग हिस्सों में राहुल का पुतला फूंक उनका विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले आपको वाराणसी की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ के बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी से खास लगाव है, क्योंकि पीएम 2 बार से लगातार यहाँ के सांसद भी हैं, इसलिए वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ता राहुल का जमकर विरोध कर रहे हैं। साथ ही राहुल पर तंज कसते हुए उन्हें 55 साल का बालक बता रहे हैं और उनके आरोपों को निराधार। यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जमकर विरोध करेंगे। राहुल गांधी तथाकथित कांग्रेस के युवराज के रूप में, 55 साल का युवराज जो है कांग्रेस पार्टी का, उसका हमने प्रतीकात्मक पुतला फूंक करके ओबीसी मोर्चा ने यहाँ विरोध दर्ज कराया है कि वो हमारे नेता पर निरंतर अपशब्द कह करके कुठाराघात हम पिछड़ों की भावनाओं पर करते आ रहे हैं। आज हम लोगों ने विरोध किया है कि राहुल गांधी ने मोदी जी को बोला है कि पिछड़ा के केवल कागज पे ही है, लेकिन ये गलत है। मोदी जी शुरू से ही पिछड़ा पे रहे हैं और पिछड़ा पे रही रहेंगे। आज हम लोगों ने यहाँ पे उनका प्रतीक चेहरे का पुतला बनाकर आज हम लोगों ने उनका पुतला दहन किया है और ओबीसी मोर्चा ये संघर्ष करता रहेगा। अब आपको संगम नगरी प्रयागराज में राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ के बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा इस कदर है कि वो राहुल को चोर और बदतमीज कह रहे हैं। प्रयागराज में बीजेपी कार्यकर्ता राहुल के इस बयान के लिए उनको देश की जनता से माफी मांगने की हिदायत दे रहे हैं। ये राहुल जैसे गांधी जैसे लोग और खुद राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हो चुके हैं, इनको जरा भी शर्म नहीं है कि देश के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसी बातें करते हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। आज हम लोगों ने सुभाष चौराहे पे, ऐतिहासिक चौराहे पे इनका जो है राहुल गांधी जी का पुतला फूका और मुर्दाबाद के नारे लगाए। वाराणसी और प्रयागराज की तरह ही सुल्तानपुर में भी कांग्रेस पार्टी को जमकर विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ रहा है। यहाँ भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल का पुतला फूंक उनका विरोध किया और राहुल गांधी पर कई सवाल भी खड़े किए। बीजेपी नेता ने कहा कि इसका जवाब कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनाव में मिलेगा। बार बार जो है ये जो खानदान है हमारे प्रधानमंत्री जी का अपमान कर रहा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी अति दलित में पैदा हुए हैं, इसलिए इनको लगता है कि दलित को जो है राष्ट्र का जो है प्रथम नागरिक नहीं होना चाहिए या ये प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। अभी इन्होंने कहा है कि मोदी जी कभी जंगल में पैदा हुए थे, सन 2000 में मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने जो है अपनी जात को है जो जात जो तेली है तेली जात को इन्होंने ओबीसी में घोषित कराया, इसलिए ओबीसी नहीं है, ये बने हुए ओबीसी हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ। दोस्तों, राहुल के एक बयान ने प्रदेश में सियासी घमासान मचा दिया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इसका परिणाम क्या होता है और क्या वाकई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी को बीजेपी का पुरजोर विरोध का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।